हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे मजदूरों की। मजदूरों को मनरेगा से मिले राहत की, राहत मिली भी या नहीं, या कहीं कोई कमी रह गई, या खुश है मजदूर, उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आई, इसी पर बात करेंगे हरियाणा की आवाज में। फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए, क्योंकि फोन लाइन हमने खोल दी है और हमारे फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी राय, अपने विचार मनरेगा के तहत मजदूरों को कितनी मिली राहत, इस पर हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, कुछ जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे नारनौल की है, उकलाना की है, रतिया की है, झज्जर की है या फिर फतेहाबाद की है, एक साथ इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मजदूर जो है वो काम की बाट जो रहे हैं। नंबर सी रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिहाड़ी मजदूर सबसे मजबूर क्यों कहा जा रहा है? लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने इनका ख्याल करते हुए, इनकी रोजी रोटी का इंतजाम करते हुए मनरेगा के तहत काम देने की घोषणा की और उसके बाद काम मिलने भी लगा, तो क्या लॉकडाउन में मनरेगा बना सहारा? मनरेगा एक संजीवनी के तौर पर बनकर उभर रही है क्या? किसी को अब भी काम मिलने की आस है तो कोई कह रहा है कि हमें इतने दिनों के काम से कोई लाभ नहीं है, आप 200 दिन का, कम से कम 200 दिन का काम हमें दें ताकि हमारी रोजी रोटी का इंतजाम हो सके, हमारे घर में 2 जून की रोटी पहुंचे, चूल्हा जले। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, मनरेगा में मजदूरी से मजदूर को कितनी राहत, क्या मनरेगा में काम करके मजदूरों के जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटेगी या लौटी है? बताइए, इस कोरोना काल से मनरेगा से मजदूरों को कितनी, इस कोरोना काल में मनरेगा से मजदूरों को कितनी मदद मिली, ये भी बताएं। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय, अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ये कार्यक्रम आप सबों के लिए, हरियाणा की आवाज, हरियाणा की आवाम के लिए, ताकि आप अपनी बात खुलकर बेबाकी के साथ रख सके। मजदूरों को क्या फायदा पहुंच रहा है मनरेगा के तहत, उनको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दिहाड़ी उनको कब पहुंच रही है उन तक, क्या पैसे समय पर मिल रहे हैं, जो पैसे हैं वो काफी हैं या ना काफी। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रेगुलर कॉलर, भिवानी से इन्होंने फोन किया है। ज्वाला प्रसाद जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मनरेगा का जो करीब काम ये मजदूरों को जो मिल रहा है, ये तो एक संजीवनी नहीं, जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए, इस समय में, इस महामारी के समय में ये जो काल चल रहा है, इस काल का आकलन नहीं किया जा सकता, बहुत ही देश के लिए गंभीर संकट है और इसमें एक एक पैसे की बहुत जरूरत होती है मजदूर आदमी को, तो इनके लिए। और वैसे मजदूर की एक मेरी विनम्र प्रार्थना है मोदी जी से, जो संत रूप में सेवा कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से, इनसे भी विनम्र प्रार्थना है, और अनिल विज साहब से भी मेरी प्रार्थना है कि एक तो मनरेगा की जो मजदूरी है वो कम से कम 300 से ज्यादा ही करनी चाहिए ताकि एक इसमें राहत मिल सके। आवाज आ रही है जी? हेलो जी, बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 300 से ज्यादा ही एक विचार करके कमेटी का, 300 से ज्यादा मजदूरी करनी चाहिए, 300-400 के आसपास कर देना चाहिए ताकि इस समय मजदूरों को कुछ राहत मिल सके। और एक मजदूर की नाम एक मजदूर है, देश के निर्माण में इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। मजदूर की एक फुल फॉर्म और भी होती है, मैं से माता पार्वती की जो ममता होती है, माँ की ममता भी होती है, के अंदर जैसे ज्वाला माई की जो लौ होती है, उस तरह ये ज्वाला माई की लौ की तरह ये जलते रहते हैं। और वैसे देव में देव महादेव, जैसे नीलकंठ ने जो विष पिया था उसी तरह ये विष भी पीते रहते हैं। और आपसे राम का, रामेश्वर का भी रूप है, ये भगवान के रूप भी एक है। तो मजदूर को एक साधारण एक
इंसान नहीं समझना चाहिए। मेरी विनम्र प्रार्थना है इसमें मनरेगा के मजदूरों को जितनी राहत दी जाए, और एक सरकार से ही नहीं, जितने भी अरबपति हैं करोड़पति हैं, इन पैसे को ये क्या करेंगे। मैं मानता हूँ पैसे कमाना अच्छी बात है, जैसे सूर्य हर जगह से जल लेता है, घड़े से, नदी से, नालों से, सागर से, और बादल जल लेने के बाद इस तरह से काले हो जाते हैं और बरस जाने के बाद सफेद हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ तुम भी पैसे कमाओ, लेकिन जनता के ऊपर इस महामारी के संकट में उसी जनता के ऊपर फेंक दो, तो तुम भी पाक साफ हो जाओगे, सफेद हो जाओगे। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है मोदी जी से, जो एक संत रूप में कार्य कर रहे हैं, कि एक मजदूरों का ही नहीं, आम नागरिक का, 125 करोड़ जनता का जो ध्यान करना चाहिए वो मोदी जी कर रहे हैं। वो 70 साल से जो पहले जो हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उनके तो सीएम टाइम लेना पड़ता था, प्रधानमंत्री से मिलना है, सीएम को भी टाइम हफ्ता हफ्ता पहले टाइम लेना पड़ता था। और अब हमारे जो माननीय सरल इतने प्रधानमंत्री हैं, सिंपल मोदी जी, उनके पास टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आम से आम आदमी भी उनके पास पहुंच सकता है बगैर टाइम लिए। ये होता है एक सरल इंसान, सरल स्वभाव, सरल प्रधानमंत्री। चलिए बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद की तरह आप भी जुड़े, फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, फोन कीजिए मजदूरों की हालत को लेकर, फोन कीजिए मनरेगा में उनके काम करने को लेकर, जो सरकार की ओर से कोशिश की गई कि लॉकडाउन में बहुत परेशान हुए मजदूर, तमाम तरीके की उनकी परेशानियां उभर कर जो सामने आई कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए, तो मनरेगा के तहत काम शुरू करवाया सरकार ने। कई जगहों पर मजदूरों में खुशी की लहर, काम भी मिला और समय पर पैसे भी मिल रहे हैं उनको। ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट रही है, लेकिन कई जगहों पर अभी तक पटरी पर रफ्तार ही नहीं पकड़ी है मजदूरों की जिंदगी ने, क्योंकि काम पहुंचा नहीं उन तक, उन्हें काम नहीं मिला। कई जगहों के मजदूरों का ये भी आरोप है कि जो पैसे मिल रहे हैं वो समय पर नहीं, और जब मिल रहे हैं देर सवेर भी जब मिल रहे हैं तो कम मिल रहे हैं और जगहों के मुकाबले, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। ज्यादातर जगहों से मजदूरों ने ये अपील की है सरकार से कि बहुत कम दिनों की दिहाड़ी होती है, मजदूरी होती है, तो इसे बढ़ाकर कम से कम 200 दिनों का किया जाना चाहिए, ताकि इनका और इनके परिवार का भरण पोषण हो सके, ये इतना तो कमा सके, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में ये दूसरी जगह पर वैसे भी अभी काम के लिए नहीं जा सकते। बलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक जींद से फोन किया है। बलजीत जी बोलिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो मनरेगा के जो मजदूर हैं जी, इनकी बात तो वाकई ठीक है। हाँ। तो इनको जहां तक अपनी राय है, तो जो किसान है, किसान के तहत मनरेगा को जोड़ दिया जाए। कुछ तो पैसे किसान से लिए जाए, और जो सरकार देती है वो सरकार उनको दे मजदूरों को। इससे फायदा क्या होगा, मजदूरों की जो है दिहाड़ी वो ज्यादा लंबी चलेगी, और जैसे सरकार से किसान से भी कुछ पैसा लिया जाए तो उनको मजदूर को बहुत। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे हरियाणा की आवाज के इस पेशकश में, जहां हम आज बात कर रहे हैं मजदूरों की, आज हम बात कर रहे हैं मनरेगा के तहत मिल रहे उनको काम की, उनके मजदूरी की, जो दिहाड़ी उनको उपलब्ध कराई जा रही है। क्या सभी मजदूरों तक मनरेगा के तहत काम पहुंचा? क्या सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलने से कुछ लाभ हुआ? क्या 2 जून की रोटी, जो उनके लिए इस लॉकडाउन पीरियड में, एक लंबे लॉकडाउन पीरियड में, चूंकि अब हम 5वें चरण में जाने के लिए तैयार है लॉकडाउन के, मैं 2 दिन बचे हैं इस चौथे चरण का, तो इस लंबे लॉकडाउन की वजह से जो उनको झेलना पड़ा कि 2 जून की रोटी भी उनके लिए सपना हो गई, अब वो कमा पा रहे हैं उस रोटी को। हमारे साथ राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी बोलिए। अनामिका जी, मैं एक इन गरीबों को रामदेव जी से जोड़ना चाहूंगा। जरूर। वो कैसे, आजकल इंडियन न्यूज पे आ रहा है उनका, बहुत मतलब है कि योगा करना, प्राणायाम करना बता रहे हैं। अच्छी बात है, मैं इसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं है, लेकिन गरीबों की 2 वक्त की रोटी बनती नहीं। और रामदेव जी बताते हैं कि मैं सुबह दूध पीता हूँ, शाम पीता हूँ काजू बादाम, और वो क्या नाम है घी के वगैरह को ट्रीटमेंट वगैरह दिखा रहे हैं,
मैं ये पूछना चाहता हूँ रामदेव जी से, ये अमीरों की है जो एसी में बैठते जिनके पास प्राणायाम अलोम विलोम करने का समय नहीं है उनके लिए, गरीब के पास तो दो वक्त की रोटी है, वो बेचारा काजू कहाँ से खाएगा, एलोवेरा कहाँ से पिएगा, देसी घी कहाँ से लेगा, दूध कहाँ से पिएगा। इसलिए मेरा निवेदन है इन गरीबों के बारे में सोचा जाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ इनको एंकर होना चाहिए टीवियों का, और वो इंडिया न्यूज वाले आज बता रहे थे कि रामदेव को एंकर होना चाहिए, ये तो मैं पहले घोषणा कर चुका हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है गरीबों के बारे में सोचा जाए। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया। तो काफी नाराज यहाँ पर राम, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसे देखते हुए उनके अपने निजी विचार। आप भी हमें, हम तक अपनी बात पहुंचाइए, जरूर फोन कीजिए हमें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मनरेगा के तहत काम मिलने की आस है, तो कहीं पर जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतने में पोसाई नहीं है, भरण पोषण के लिए कम से कम 200 दिन का काम हमें मिलना चाहिए। तो क्या मनरेगा बनेगी संजीवनी, ये क्या इसलिए लग गया, क्योंकि कई जगहों पर तो मदद हो ही रही है, मनरेगा सहारा बन चुका है, लेकिन संजीवनी बनेगी कि नहीं ये जानना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या मनरेगा से मजदूरों के जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटेगी या लौट चुकी है, कितनी मदद मिली मनरेगा से मजदूरों को इस कोरोना काल में, बताएं हमें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़े और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपके इलाके में, आपके आसपास मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिला है, आप देख रहे हैं कि अब उनके घरों में भी चूल्हा जलने लगा है, वो दो वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, तो बताइए जहां पर हाल बेहाल है वो भी हमें बताएं कि आखिर उन मजदूरों को कुछ काम मिला या नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने जो मनरेगा के तहत घोषणा की कि अब हम काम शुरू करने जा रहे हैं, काम शुरू भी किया गया, वो सभी मजदूरों के लिए था, सभी का पेट पल सके, सभी का भरण पोषण हो सके, सबके घर में रोटी पहुंचे, इसके लिए था। तो जब हम बात सबकी करते हैं तो केवल औसत आंकड़ा नहीं देख सकते, सबके घरों तक क्या मनरेगा के तहत दिया जाने वाला काम और उस काम के तहत मिलने वाला लाभ पहुंच रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात, अपनी राय, अपनी सलाह, कोई सुझाव हो तो वो भी हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, मजदूरों के लिए बोलिए और मनरेगा के तहत और ज्यादा काम की जो मांग कर रहे हैं मजदूर, कि हमें और काम चाहिए, इतने कम काम में, इतने कम दिहाड़ी से गुजारा नहीं हो रहा, असंभव सा अब सब लगने लगा है, पहले से ही इस लंबे लॉकडाउन में कमर टूट गई है और दो वक्त की रोटी जुटाते हाथ जो है वो थक चुके हैं, बावजूद इसके इनका हौसला आप देखिए कि दो वक्त की रोटी पेट की आग बुझाने के लिए ऐसी है जिसे कमाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें 200 दिनों की मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि हम अपना परिवार पाल सके। इसी के साथ फिलहाल हम यहीं पर रुकेंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।